स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर देश को 11वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात पर बल दिया। मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए जान गंवाने वाले वीर सपूतों को याद किया। उन्होंने कहा कि आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्ते पर चढ़कर भारत माता की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत भारत माता के सपूतों के स्मरण करने का दिन है। आज़ादी के दीवानों ने आज हमें आज़ादी के इस पर्व में स्वतंत्रता में सांस लेने का मौका दिया है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिए अपने संबोधन में कहा कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का इच्छुक है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग से संपर्क साधा है और बातचीत शुरू की गई है। यह कदम 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकार का आगामी विजन बताते हुए कहा कि अब देश में एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है ताकि देश के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश के तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे जुड़ी चिंता को मैं समझता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।